और ये नाम क्यों रखा गया, और ये हमारे मिशन का मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग नाम भी क्यों रखा गया, उसके पीछे एक कहानी है और मैं वो कहानी से शुरू करती हूँ। सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? हाँ। यस मैम। मैं आज से 10-12 साल पहले महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान करके केंद्र शासन का एक नया इंस्टीट्यूट खुला था, केवीआईसी और आईआईटी प्रोजेक्ट के आउटपुट के तौर पे। और वो इंस्टीट्यूट का मैंडेट ये था कि ग्रामीण उद्योगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनपुट देना है। और अलग-अलग विभाग थे, जैसे खादी एंड टेक्सटाइल था, और फिर बायो प्रोसेसिंग, हर्बल, एवरीथिंग। और मेरा विभाग जो था वो आईसीटी था। मैं उस समय लगभग 50 साल की थी, और वो पोस्ट हाई प्रोफाइल पोस्ट होने के कारण उसका एज लिमिट भी 50 था। एंड एज अ संजोग आई गेव दैट इंटरव्यू ऑन माई 50th बर्थडे ओनली एट आईआईटी दिल्ली, एंड वॉज सिलेक्टेड एज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट इन आईसीटी। अभी सच बोलूं तो आईटी प्रोफेशनल होने के कारण मेरा काम आइवरी टॉवर लेडी जैसा था। हमें विदेशों से प्रोजेक्ट मिलते थे, हम वो कंप्लीट करते थे, एंड वी यूज टू अर्न मनी इन लॉट। लेकिन कुछ अलग करने की मेरी इच्छा थी, सो आई ज्वाइन दैट इंस्टीट्यूट। पोस्ट भी अच्छी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी। एंड एक्चुअल स्टोरी यहाँ शुरू होती है। तो मैंने ज्वाइन किया, मेरे साथ और 35 साइंटिस्ट ज्वाइन हुए अलग अलग डोमेन के। और हम सबको उस समय जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि अपने को ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए जाना है। बीइंग अ हाई प्रोफाइल पोस्ट और अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट, हमने सोचा कहीं अच्छी जगह ले जाएंगे। बट ही टूक अस टू द सुसाइड प्रोन एरियाज ऑफ वर्धा एंड यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। फिर वो गढ़चिरौली और चंद्रपुर में नक्सलाइट एरिया में जो लोग काम करते हैं, एनजीओ काम करते हैं, उनके तरफ लेके गए। वो हमारे नागपुर का मई का महीना था, सेम सेम डेज लाइक दिस। और वो तिल मिलाती धूप में हमें वो हर जगह लेके गए जहाँ पे ग्रास रूट एक्टिविटीज होती है। और इसका बहुत फायदा ये हुआ कि मेरा जो मिसिंग लिंक था कि मैं आईटी प्रोफेशनल तो थी, लेकिन मेरा आईटी का नॉलेज यहाँ कैसे काम करेगा ये मेरे समझ में नहीं आया। हुआ ये कि हम लोग वर्धा सेलू में एक फार्मर्स ग्रुप और बचत गट की महिलाओं के करीब बीच में खड़े थे, और वो लोग बोले कि आप गवर्नमेंट की तरफ से हमें ट्रेनिंग देते हैं अलग अलग, फिर थोड़ा बहुत फंडिंग देते हैं खुद का उद्योग शुरू करने के लिए। और ये सब करने के बाद जब हम हमारा प्रोडक्शन शुरू करते हैं या फिर खेती समझो, तो हमें हमारा माल बेचने के लिए बहुत दिक्कत जाती है। क्यों ना गवर्नमेंट हमें हर बड़े सिटी में शॉप खोल के दे। तो वो जो बोल रहे थे वो सही था। और फिर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट के तरफ से ये प्रॉब्लम के लिए, मार्केटिंग प्रॉब्लम के लिए क्या किया जाता है। एंड आई केम टू नो कि गवर्नमेंट के तरफ से अलग अलग बड़ी बड़ी शहरों में बड़े बड़े एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं। जैसे हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट का रहता है, महालक्ष्मी सारस मेला रहता है बचत गट के प्रोडक्ट्स के लिए, नाबार्ड के तरफ से लगाए जाते हैं। किसानों के लिए धान्य बाजार, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन, ऐसे सारे एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं। और दूर दूर से वो लोग वहाँ आते हैं एंड दे आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स सक्सेसफुल। तो इसका मतलब है कि ये गांव की सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा मार्केट उपलब्ध है, लेकिन वो शोकेसिंग नहीं कर पाते, वो दिखा नहीं पाते, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करा पाते, और उनके लिए इसीलिए मार्केट लिंकेजेस नहीं बनते। और गवर्नमेंट के तरफ से भी ये बार बार एग्जीबिशंस लगाना पॉसिबल नहीं है, इट इज अ कॉस्टली अफेयर। और इन लोगों को भी पॉसिबल नहीं है कि वो बार बार अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ आए। और ये सबका सोल्यूशन करके देने के लिए मेरा आईटी नॉलेज यूज करके मैंने प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम रखा marketmirchi.com, ना कि मिर्ची। अब मार्केट मिर्ची नाम क्यों रखा, क्योंकि नाम मुझे ऐसा चाहिए था कि वो सुनने के बाद भूले नहीं। लेकिन लोग अभी फिर भी गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग फोन करके पूछते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मिर्ची का मार्केटिंग होता है क्या। तो इसीलिए अभी हमने marketmirchi.com की वेबसाइट में मिर्ची का एक लोगो भी हटा दिया है।
और कम का मतलब है मार्केट का देसी तड़का। अब ये वेबसाइट बनने के बाद ये अराउंड 13-14 था, तो 2013-14, और उस समय डिजिटल इंडिया इतना स्प्रेड नहीं हुआ था और गांव खेड़े तक कंप्यूटर भी नहीं थे, स्मार्टफोन भी नहीं थे। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोग एग्जीबिशंस पे जाते थे, पैन इंडिया आई ट्रेवल, और वहां जाके मैं अनाउंस करती ऐसी ऐसी फैसिलिटी है, और सारे स्टॉल होल्डर्स जो अपनी छोटी चीजें बेचने के लिए आए रहते थे वो अपना अपना फॉर्म भर के देते, वो लोग फॉर्म भर के देते थे, उनको फिल करना है और फिर बैक हो हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर उसको फॉर्म्स को अपलोड करते थे। ये सब चल रहा था लेकिन उसमें एक गैप रह रही। अब गैप ये थी कि वो लोग खुद तो कर नहीं रहे थे, एक बार फॉर्म भर दिया भूल गए। होते होते ऐसे हुआ कि marketmirchi.com पे एक जर्मनी से इंक्वायरी आई, हाँ हर्बल प्रोड्यूस के लिए, टकले पे बाल उगाने का बाल्डनेस के लिए सॉल्यूशन था, मारुति हर्बल करके छोटी कंपनी थी होसूर की, उन्होंने हमें फॉर्म भर के दिया था और वो भूल गए थे। जब जर्मनी से इंक्वायरी आई तो वो छोटे से गांव में जैसे पिपली लाइव हो गया। फॉर्चुनेटली मेरा नंबर दिया हुआ था वो एडवर्टाइज इसमें एड में, तो आई इंटरवीन एंड डील विद देम। तो ये जो गैप रह रही थी वो मेरे समझ में आ रही थी, और होते होते 2016 में तो सबको पता है कि आप आज मैं जिस मोबाइल से आपसे जुड़ी हूँ वो स्मार्टफोन धीरे धीरे पूरे इंडिया में पेनिट्रेट होने लगे बहुत एफोर्डेबल कॉस्ट में, और साथ ही इंटरनेट का जाला डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू गांव खेड़े में पहुंचने लगा। और अभी ये कहानी का दूसरा भाग है, marketmirchi.com ने बताया अबाउट मेरा मार्केटिंग केम इन एग्जिस्टेंस। तो 2016 में मैं भुज में गई थी, हमारी मिनिस्ट्री एमएसएमई मिनिस्ट्री के तरफ से एक बड़ा एग्रीकल्चर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ था और उसमें मैं प्रेजेंट करने वाली थी marketmirchi.com, जो भी स्टॉल होल्डर्स है उनको बताने वाली थी। बट सडनली माई लैपटॉप स्टॉप वर्किंग, और मेरे को जो बंदा असिस्ट कर रहा था वो स्मार्ट था, वो बोला मैडम आपको लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं, हम अपने मोबाइल पे ही दिखाएंगे। देखो आईटी प्रोफेशनल होने से भी ये मेरे को, हम लोग तो वही प्रोसीजर में चल रहे थे कि फॉर्म भर के दे दो हमारे लोग अपलोड करेंगे। तो ही बोले, वो बोला अपने मोबाइल पे दिखा सकते। और जो गर्ल बैठी थी एट द रिसेप्शन काउंटर ऑफ द एग्जीबिशन, अनाउंस करने के लिए बैठे रहते ना वो, तो वो तो सुपर मारे मोबाइल से मारो मार्केटिंग, मारे मोबाइल से मारो मार्केटिंग आओ, और वो लाइन उसकी टैगलाइन इतनी कैच हो गई कि मेरे सामने उस दिन लंबी कतार लग गई किसानों की, अपने अपने स्मार्टफोन लिए कि हमें बताओ कि कैसे करना है, हम हमारे मोबाइल से हमारा मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। और इतने बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन थे, वो तो रिच एरिया है गुजरात का, मुझे मेरे स्मार्टफोन की शर्म आई। तो दैट डे वी नेम्ड आवर मूवमेंट एज मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केट। अभी अगर हमें रूरल इंडिया को सही में आत्मनिर्भर बनाना है तो उनका जो सबसे बड़ा दिक्कत है मार्केटिंग का, उसके लिए उनके पास जो अवेलेबल टूल है उनका स्मार्टफोन, उसी से उनको एम्पावर करना है, तब भी वो आत्मनिर्भर हो सकते। तो ये हो रही छोटी सी कहानी मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग। ये 2016-17 की बात मैंने आपको बताई। अभी मोबाइल मेरा मार्केटिंग की क्या स्टेटस है आज, इसके प्रमुख तीन अंग है। सबसे पहले तो है marketmirchi.com, जो हम विस्तार में देखेंगे, वो बहुत ही सिंपल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हमने रखा है। जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ भुज में, उसके बाद जानबूझ के हमने उसको ऐप नहीं बनाया है, क्योंकि ऐप फिर से डाउनलोड करना पड़ता है और बहुत बार उनको ये सिखाना पड़ता है गांव के लोगों, उनके मोबाइल में कई बार स्पेस भी नहीं रहे। तो हमने ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेसिव वेब ऐप टेक्नोलॉजी में marketmirchi.com वेबसाइट बनाई है, जो आप आपके मोबाइल पे ऐप जैसे ही देख सकते हैं, लेकिन आपको उसको डाउनलोड करना नहीं पड़ता। और कोई भी ब्राउजर में, जैसे गूगल ब्राउजर में आप उसको खोलो तो गूगल आपको ऑप्शन भी देता है कि marketmirchi.com का आइकॉन आप होम स्क्रीन पे
सेव कर सकते हैं। राइट हैंड कॉर्नर पे वो तीन डॉट्स देता है गूगल, तो जिससे आप marketmirchi.com का आइकॉन ऐप जैसा आपके होम स्क्रीन पे सेव कर सकते हो। marketmirchi.com में टोटल 26 मेन कैटेगरीज है पर्टेनिंग टू एग्रो एंड रूरल डोमेन। इसमें आपको फल फूल सब्जियां, फिर वो ग्रेन्स पल्सेस, फिर और सारे सीड्स फर्टिलाइजर्स, बचत गट की महिलाओं के प्रोडक्ट्स, पापड़ मसाले अचार, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, इवन रूरल फाइनेंस, रूरल इवेंट, सब कुछ मिलेगा। और इसके तीन प्रमुख सेक्शन हमने रखे हैं, सेल बाय और जॉब्स। वेरी क्लियर, बाय डिफॉल्ट सेल सेक्शन खुला रहता है, वहां पे पोस्ट फ्री सेल्स एड करके बटन है, उस पर आप क्लिक करो और अपना एड डालना शुरू करो। शुरू में हमने रजिस्ट्रेशन की कोई झंझट रखी नहीं है। पोस्ट फ्री सेल्स एड पे क्लिक करो, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करो, जैसे आपको वेजिटेबल्स बनाना है वेजिटेबल्स पे क्लिक करो, आपकी एड दे दो, हेडिंग डिटेल्स, प्राइस अगर निगोशिएबल है तो 0 दे दो, अदरवाइज पुट इन नंबर, दूसरा कुछ लिखना नहीं। यूनिट सिलेक्ट करो, यूनिट बगल में दिया हुआ। ये इतना इंफॉर्मेशन भरने के बाद नीचे आपको दो बटन दिखाई देते हैं, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन एंड उसके बगल में है ओल्ड यूजर लॉगिन। अगर आप पहली दफा ऐड पोस्ट कर रहे हैं तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो। उसमें भी हमने बहुत सिंपल रखा है, ईमेल मैंडेटरी नहीं है, कैप्चा वगैरह की झंझट नहीं है, सिर्फ आपका नाम दे दो, शॉर्ट में एड्रेस दे दो और सबसे इम्पोर्टेंट आपका मोबाइल नंबर दे दो, क्योंकि ये है ही मिशन, मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग। आपका मोबाइल नंबर ही आपको यूजर नेम करके यूज करना है, एक सिंपल सा पासवर्ड दे दो और पोस्ट ऐड बटन क्लिक करो। ये सब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगता है और आपकी ऐड तुरंत सभी को दिखने लगती है। साथ में आपको ऑप्शन आता है, आप फोटोज उसको अपलोड करो और बायर्स का कॉन्टेक्ट करने के लिए आपके सामने लिंक प्रस्तुत की जाती है, अलग अलग बायर्स की। जैसे आपने व्हीट के लिए ऐड पोस्ट की है तो व्हीट वाले बायर्स आपको दिखेंगे या ग्रेन्स वाले आपको दिखेंगे और आप उनको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आपके ऐड देख के वो लोग भी आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें एक पैसे का खर्चा किसी को भी नहीं। और जैसे कि हमारा ये सोशल मिशन है, हम लोग सेलर्स को पूरे बायर्स के नंबर दिखाते हैं और बायर्स को पूरे सेलर्स के नंबर दिखाते हैं। मैम थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम लग रहा है, थोड़ा मैंने नजदीक ही किया है, अभी आवाज आ रही है? हाँ मैम, हो सकता है कि फोन थोड़ा दूर रहेगा तो थोड़ा ठीक भी लगेगा, आप फिर भी थोड़ा तेज आवाज रखिए, कि मुझे तो सही आ रहा है परफेक्ट, लेकिन प्रेम जी को कुछ दिक्कत आ रही है, तो सर आप एक बार चेक करिए आपका कनेक्शन भी, आप मैम कंटिन्यू कर सकते हैं मैम। हाँ, तो इसमें हमारा जैसे मैंने बताया कि नो बिजनेस मॉडल, सो व्हाट वी डू कि जो लोग एक्टिव है उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, यानी जैसे कि आपने एड पोस्ट किया सब्जी बेचने के लिए तो आपको सारी बायर्स की लिंक दिखाई गई है, आप जितने बायर्स का कॉन्टेक्ट नंबर देखते हैं उनको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उतना आपका एक्टिव रैंक बढ़ता है और भी आपको आपकी एड देख कॉन्टेक्ट करते हैं उतना भी आपका एक्टिव रैंक बढ़ता है। सिमिलरली फॉर बायर्स, बायर्स को भी जो भी खरीदना है वो अपनी बाय एड, यानी जैसे कि किसी को ग्रेन्स खरीदने हैं, किसी को ये वेजिटेबल्स खरीदनी है, और इसमें हम B2 यानी छोटे छोटे बायर्स नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे, जो ट्रेडर्स है जो एक्सपोर्टर्स है वही इस वेबसाइट का ज्यादा फायदा उठा रहे। इवन बिग बास्केट ने भी अपने प्रोडक्ट्स की बाइंग की एड यहाँ पे डाली हुई है, तो जो भी बायर्स अपनी एड पोस्ट करते हैं उनको भी सारे सेलर्स के एड्स दिखाई जाते हैं और वो भी जितने लोगों को कॉन्टेक्ट करते हैं उतना उनका भी एक्टिव रैंक बढ़ता है। और हर आपकी एड जो दिखाई देती है वेबसाइट पे उसके सामने आपका एक्टिव रैंक भी दिया दिखाया जाता है। आज ये वेबसाइट पे 200 के ऊपर एक्टिव रैंक रहने वाले बहुत सारे सेलर्स हैं और बायर्स भी है, और आज ये फ्री हम्बल सोशल इनिशिएटिव से 70% से ज्यादा मार्केट लिंकेजेस डेवलप हो रहे हैं। वो जो हम वीडियो आपको दिखाएंगे उसमें 60% लिखा है क्योंकि वो पिछले साल बनाया गया, अभी इसमें काफी और बढ़ोतरी हुई।
तो ये है मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग का पहला पार्ट मार्केट मिर्ची डॉट कॉम। ये ऑफकोर्स मल्टीलिंगल है, आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है रीचिंग अनरीच और कनेक्टिंग अनकनेक्टेड, क्योंकि हमने वेबसाइट तो बनाया अगर तो मोहम्मद पर्वत के पास जाता है वही कहानी है, क्योंकि ये गांव के लोगों तक पहुंचाना है, उनको सिखाना है, एंड दैट इज अवर सेकंड पार्ट। आज अभी जो हम वीडियो आपको दिखाएंगे वो MKCL ने डेवलप किया है, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, और वो कई KVKs कम्युनिटी रेडियोज ICR इंस्टीट्यूट्स नाबार्ड इन सब के जरिए विविध वेबिनार और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के थ्रू ये इसका प्रशिक्षण यानी हाँ marketmirchi.com कैसे यूज करना, अपनी एड कैसे पोस्ट करना, खरीदारों को कैसे कांटेक्ट करना, ये सारा प्रशिक्षण हम ये मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग का जो सेकंड पार्ट है बैकएंड लिंकेजेस उसके थ्रू देते हैं, वो भी टोटली फ्री होता है। थर्ड पार्ट है फ्रंट एंड लिंकेजेस, यानी हमने बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से आज इसमें 20,000 के सेलर, लेकिन जितने सेलर्स है उतने बायर्स होने चाहिए ना, क्योंकि ये मुर्गी पहले के अंडा जैसा सवाल है, जब तक सेलर नहीं तब तक बायर नहीं एंड वाइस वर्सा। तो आज इस वेबसाइट में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्निक जिसमें हमें IIT मुंबई सहयोग दे रहा है यूज करके बहुत सारे बायर्स B2B बायर्स B2C बायर्स इस वेबसाइट पे लाने में सक्सेसफुल हो गए, और इसीलिए आज 70% तक डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस इस वेबसाइट से विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पाई बन रहे। और ये है मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग, ये कोई सोशल एंटरप्राइज नहीं है, ये कोई स्टार्टअप नहीं है, और ना तो कोई ये NGO है, ये इट इज माय सिंपल गिविंग बैक टू सोसाइटी एज अ रिटायर्ड पर्सन, और लोग भी इसकी अहमियत अच्छे से समझ गए हैं, और ये लोग सहभाग विविध ऑर्गेनाइजेशन के सहभाग के जरिए जैसे मैंने बताया आगे बढ़ रहा है। तो अभी मैं आपको विनंती करूंगी कि आप वो वीडियो शेयर करो, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, ठीक है? श्योर श्योर मैम, मैं करता हूँ। सारे कृषि तथा ग्रामीण उत्पादनों की मुफ्त यानी फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग करने के लिए इतना ही नहीं तो आपके खुद के सर्वे मुझे आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, कम आ रही है। वन मिनट मैम, फिर से शुरू करो और आवाज वॉल्यूम अच्छा रहे। उत्पाद खरीद भी सकते हैं और आपके खुद के उत्पाद बेच भी सकते हैं। ओके मैम, तो आइए देखिए। नहीं मुझे तो कम आ रही है, बाकी लोगों को पूछोगे? मैम मुझे ठीक आ रहा है, अगर बाकी लोगों को नहीं आ रहा तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं तो मैं वापस स्टार्ट कर सकता हूं। यानी उसका स्पेलिंग है MARKETMIRCHI। मैम अभी ओके marketmirchi.com? हाँ अभी ठीक है। ओके, और अब एंटर का बटन दबाएंगे तो देखिए ये है marketmirchi.com की साइट। और हाँ, आपको तो ध्यान में आया ही होगा कि ये कोई ऐप नहीं है जिसे डाउनलोड करना है, यह तो एक वेबसाइट है जो आप आपके मोबाइल से या अगर आपके पास उपलब्ध हो तो किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से भी खोल सकते हैं। इस साइट में सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है आप इसकी भाषा बदल सकते हैं। इसके लिए देखिए सिलेक्ट लैंग्वेज के ड्रॉपडाउन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अलग अलग भाषाएं आपके सामने प्रस्तुत होंगी, जिसमें से जो आपको आसान लगे उस भाषा में आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। जैसे ही भाषा बदले वैसे ही वेबसाइट की सारे ऑप्शंस, सारी कैटेगरिया, सारे बटन्स यह हिंदी में प्रदर्शित होना शुरू हो गए। अभी के लिए मैं उसको फिर से अंग्रेजी करती हूँ। तो देखिए इस वेबसाइट में आपको 3 बटन आसानी से दिखाई देंगे, एक है सेल, दूसरा है बाय और तीसरा है जॉब्स। एक एक करके हर एक की तरफ देखें। पहला बटन है सेल यानी बेचना।
इस सेल सेक्शन में अगर आप देखें तो आपको एक बड़ा सा पीला बटन दिखाई देगा जिसमें आप आपके उत्पादों की बेचने की फ्री में एड यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। और इसको पोस्ट करने के लिए यहाँ पे 26 अलग अलग श्रेणियां आपको दिखाई देंगी। इसमें से कोई भी श्रेणी अगर आप खोल के देखें तो आप देख पाएंगे कि भारत के अलग अलग जगहों से बहुत सारे किसानों ने अपने अपने उत्पादों की यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स डाली हुई हैं। यदि आप इसमें से कोई भी उत्पाद खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप उन किसानों से डायरेक्टली कॉल पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और पोस्ट प्री सेल्स एड के जरिए जैसे ही आप इस वेबसाइट पे अपनी एडवर्टीजमेंट पोस्ट करेंगे आपको बायर्स की लिंक SMS द्वारा प्राप्त हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की सेक्शन की ओर जो है बाय। बाय यानी खरीदारी। यहाँ पे भी बाय इस सेक्शन में आपको जो उत्पाद खरीदना है उसकी एड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब समझिए कि कुछ ऐसे सीड्स आपको चाहिए जो अभी सेल के एडवर्टीजमेंट्स में आपको दिखाई नहीं दिए तो आप यहाँ पे जाके तो आपको जिस टाइप के सीड्स खरीदने हैं उसकी एड आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ जैसे ही बाय की एडवर्टीजमेंट आप पोस्ट करेंगे तो आपको सेलर्स की लिंक आपके SMS पे आ जाएगी। अब चलते हैं तीसरी सेक्शन की ओर जो है जॉब्स। इस जॉब्स सेक्शन में आप देख पाएंगे कि अलग अलग सेक्टर्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, वेटरनरी, डेयरी, डीलरशिप, मेडिकल एंड हेल्थ केयर इत्यादि। और यहाँ पे नीचे आपको दो सेक्शंस दिखाई देंगे जो है जॉब सेक्शन और एम्प्लॉय सेक्शन। अब आपको यहाँ पे देख के समझ आ चुका होगा कि फ्री जॉब्स एड इस बटन पे क्लिक करने के बाद अगर आप एग्रीकल्चर या डेयरी या वेटरनरी इस क्षेत्र में काम करते हैं और आपको किसी स्किल्ड उम्मीदवार की जरूरत है तो आप यहाँ पे उसके लिए एड पोस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे एम्प्लॉय सेक्शन में अगर देखा जाए तो हमारे ऐसे युवक जिन्हें एग्री सेक्टर में काम करने का तजुर्बा हो या जो इस सेक्टर में जॉब पाना चाहते हो वो यहाँ अपना बायोडाटा पोस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से एड डालने के बाद में बायर्स या सेलर्स के नंबर आपके पास आ जाएंगे वैसे ही यहाँ पे जॉब्स की एड या फिर बायोडाटा को पोस्ट करने के बाद आपके पास SMS के द्वारा इस चीज से संबंधित या तो उम्मीदवारों के नाम आ जाएंगे या फिर उम्मीदवारों के पास जॉब के लिए कहाँ एप्लीकेशन डालने हैं उसके लिंक। देखिए यहाँ पे जॉब एडवर्टीजमेंट्स या बायोडाटा पोस्ट करने की विशेषता यह है कि यहाँ कृषि व ग्रामीण उत्पाद क्षेत्र से जुड़े लोग हर रोज इस वेबसाइट को विजिट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कम से कम 200 लोग इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं जिसके चलते यहाँ पे अपेक्षित जॉब एवं अपेक्षित उम्मीदवार मिलने की संभावना काफी अधिक होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर हमें एक सेलिंग एडवर्टीजमेंट पोस्ट करनी है तो क्या करें। आवाज नहीं आता, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। फल है। यस मैम, आवाज नहीं आ रहा आपको बिल्कुल भी। तो आप एनी फ्रूट्स पे अभी शुरू हो गया। ओके और सॉरी मैम, महत्वपूर्ण ऐड के लिए है वो है हेडिंग फॉर सेल, क्योंकि ध्यान रखें यह सिर्फ 50 अक्षरों तक ही सीमित होता है और यही एडवर्टीजमेंट पोस्ट करने के बाद होम पेज पे दिखाई देगा और इसी द्वारा तो आपको लोग कॉल करेंगे। तो यह एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे सेल्स डिटेल्स में आपको इस बारे में कुछ और जानकारी देनी होगी और उसके नीचे प्राइस में सिर्फ अंकों का उपयोग करें जैसे 500। इसमें रुपये लिखने की जरूरत नहीं है। और हाँ ध्यान रहे अगर यहाँ पे प्राइस डालते वक्त आपके चीजों की कीमत निगोशिएबल है मतलब कि भाव ताव किया जा सकता है तो उसमें बस शून्य लिखें।
जिससे इस एड को देखने वाले को समझ में आ जाए कि इस सौदे में भावताव किया जा सकता है। और यूनिट मतलब कितने मात्रा में आप इसे बेचना चाहते हैं, उस अनुसार आप यहाँ पे यूनिट को सिलेक्ट करें, जैसे कि किलोग्राम, क्विंटल्स, लीटर, स्क्वायर फीट, एकड़ इत्यादि। अभी के लिए मैं किलोग्राम का यूज करूंगी। और यहाँ पे नीचे आपको दो बटन दिखेंगे, एक है ओल्ड यूजर लॉगिन और दूसरा है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आए हैं तो क्लिक करें न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे बस आपको आपकी कुछ जानकारी देनी है, जैसे कि नाम, एड्रेस, आप कहाँ से है अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो, और सबसे महत्वपूर्ण है आपका मोबाइल नंबर। देखिए यहाँ पे आपको जो स्टार्स दिखाई दे रहे हैं उसका मतलब है यह जानकारी यहाँ पे डालना अत्यावश्यक है, और जहाँ पे ये स्टार नहीं है जैसे कि ईमेल या एड्रेस, तो यह जानकारी नहीं होने से भी आपका लॉगिन बन सकता है। मेरे पास पहले से ही एक लॉगिन है जिसके चलते मैं ओल्ड यूजर लॉगिन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं अपना लॉगिन आईडी डालूंगी। याद रखिए आपको आपका मोबाइल नंबर या यूजर नेम और आपका पासवर्ड हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सुविधा के लिए आप रिमेम्बर मी नेक्स्ट टाइम इस चेकबॉक्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे हर बार आपको अलग से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करती हूँ तो अब आप देख पाएंगे कि मेरे स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहा है योर सेल्स एडवर्टीजमेंट इज सक्सेसफुली पोस्टेड, फाइंड इट इन सेल्स सेक्शन अंडर योर चोजन कैटेगरी। और इसी के चलते अलग अलग बायर्स से मैं डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ बाय सेक्शन के अंडर। और उसके नीचे आपको तीन लिंक्स दिखाई देंगे, एक है अपलोड फोटोज फॉर योर एड नाउ, मतलब कि जो एड अभी मैंने पोस्ट की उसके लिए फोटोज डालना, बायर्स को कॉन्टेक्ट करना और मेरे एड्स पेज पे जाना। अभी के लिए अगर मैं अपलोड फोटोज फॉर योर एड देखूं तो देखिए मेरे सेल्स एड के पेज पे मैं चली गई, जहां से ये एड जो मैंने अभी डाली थी उसके फोटोज लिंक पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे मेरे उत्पाद के फोटो डाल सकती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे और हम होम बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से सेल बाय और जॉब सेक्शन में जा सकते हैं। तो चलिए जरा बाय सेक्शन में जाके देखते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल्स पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीजें खरीदने के लिए एड्स यहाँ पे पोस्टेड दिखेंगे। तो जैसे ही मैं एक पे क्लिक करके देखती हूँ, यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देंगे रिस्पॉन्सेस टू एडवर्टीजमेंट, यानी इस एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में एक सेलर ने ऑलरेडी इस बायर को कॉल कर दिया है। तो ऐसे ही अगर आपको आपका कोई उत्पाद बेचना हो तो आप यहाँ पे कॉल बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही कॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डालना होगा आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। और फिर जैसे ही कॉल बटन पे आप क्लिक करेंगे आपको ये एडवर्टीजमेंट जिन्होंने पोस्ट की है उनका नंबर आपके स्क्रीन पे दिखने लगेगा। तो आइए चले हम मेन मेनू में जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा माय एड्स, ये एक सेक्शन। यहाँ पे आपने आज तक जो भी एड्स पोस्ट किए हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि सेल्स के दो एड हैं, बायोडेटा के लिए अभी तक मैंने एड नहीं दिए हैं और ना ही जॉब के लिए, और वांटेड के लिए भी मैंने अभी तक नहीं दिए हैं, मतलब कि बायर एड। तो जो जो एड्स मैं यहाँ पे पोस्ट करती रहूंगी
वो यहाँ पे मुझे दिखाई देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे माय एड रिस्पॉन्सेस में अगर जाके देखें तो हमें पता पड़ेगा कि मेरे बाय एड रिस्पॉन्स के लिए मुझे कौन से लोगों से रिप्लाई आया हुआ है, और उन्होंने दिया हुआ रिस्पॉन्स अगर मुझे ठीक लगे तो मैं रिप्लाई बटन पे क्लिक करके उनसे आगे बातचीत बढ़ा सकती हूँ। यहाँ पे देखिए हेल्प में आप पा सकते हैं इस वेबसाइट को अच्छे से इस्तेमाल करने की पूरी जानकारी, और मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग ये हमारा जो MKCL के साथ एक इनिशिएटिव है उसके बारे में आप यहाँ पे सारी जानकारी पा सकते हैं। इस मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग इनिशिएटिव के द्वारा और marketmirchi.com इस वेबसाइट के द्वारा बहुत ही आसानी से कई सारे किसान भाई और ग्रामीण तथा कृषि सेक्टर से जुड़े सभी लोग, छोटे मोटे व्यवसायी यहाँ जुड़ सकते हैं और तुरंत ही आपस में बेचने खरीदने का सौदा कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 60% से ज्यादा ग्रामीण उत्पादों की लेन देन इस वेबसाइट के द्वारा होती है, इसीलिए तो marketmirchi.com शहरों से जोड़े ग्राम, बिक्री खरीदारी या रोजगार, संपर्क सीधा बनाए काम। ओके मैम, मेरा आवाज आपको आ रहा है अच्छे से? हाँ आ रहा है। ओके ओके मैम, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आपने जो शेयर किया आज हम सबके साथ, और इसी के साथ हम आज के जो Q&A सेशन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 1 मिनट मैम, मैं यूट्यूब को बंद कर देता हूँ। यस, सभी अटेंडेंस से मेरा रिक्वेस्ट है जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वो अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। और अभी जो हमने वीडियो देखा उसका लिंक marketmirchi.com के हेल्प वीडियो में हेल्प मेन्यू में है, और वहां पे मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। okay, और हेल्प जो अभी वीडियो देखा वो भी आपको हेल्प मेन्यू में मिलेगा। ओके मैम, उसका लिंक। पहले हम पैनलिस्ट के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं मैम, आफ्टर दैट मेरे भी कुछ क्वेश्चंस है तो ठीक है जी। पटेल रवि जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ सर, मुझे यह पूछना था कि मैं एक फार्मर हूँ। okay. नंदुरबार महाराष्ट्र अकबड़ एरिया से हूँ, तो मैंने अभी एक गेहूं की जात काला गेहूं करके आते है वो बोई थी, तो okay. उसका लेनदारी नहीं है, लेने वाला ही नहीं है, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई हर कोई व्यापारी से पूछता है तो वो बोले बेच दो, भैंसों को डाल दो, गाय को डाल दो, ऐसा ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो फिर मैंने क्या करने का, मुझे मार्केट नहीं है उसके बारे में। मैम जो पटेल रवि जी है इनसे मेरी बात हुई थी स्टार्टिंग में, ये मिर्ची मार्केट के ऊपर marketmirchi.com पे ये रजिस्टर्ड भी है और पिछले 15-20 दिनों से एक्टिव है वहाँ पे, और मैंने जस्ट रेंडमली चेक किया था कि मार्केट मिर्ची किस तरह से वर्क करता है, तो इनका कॉल मेरे पास आया था तो मैंने इनको इन्वाइट किया कि आप भी आइए मीटिंग्स के अंदर। इनके जो सोल्यूशन पे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं मैम, तो एड पोस्ट की है क्या Yes. तो उन्होंने फिर बाय सेक्शन में जाके ब्लैक बीट के लिए बायर्स को कांटेक्ट किया है? हाँ किया, 2-3 से बात किया तो उन्होंने नहीं बोल दिया क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है तो हम नहीं ले सकते, ऐसा बोल रहे हो। हाँ तो ये आपको तो दिख गए बायर्स को, तो आपने हमेशा उनके लिए आप कांटेक्ट करके रहना। ये आपको मार्केट लिंकेजेस देने के लिए फ्री प्लेटफॉर्म है, कोशिश तो आपको करनी है भाई। वो आप सामने वाले की और आपकी जो बातचीत है वो उनको और आपको पटे तो ही डील होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम लोग आपको एक सिर्फ फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप चुपचाप बैठे रहने से आप इस पे ऐड डालिए फ्री में, और वहां आपको ब्लैक वीट के लिए मुझे अभी 2-3 बायर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, आप उनको कॉन्टेक्ट कीजिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लैक वीट वाले ही आपके बायर हो, क्योंकि व्हीट के या ग्रेन्स के जो भी बायर है वो सारे आपके ही बायर है ना, ऐसा तो कोई नहीं है। मैंने पहले ही बताया ये इंडिविजुअल कस्टमर के लिए है ही नहीं,
ये सारे ट्रेडर्स है, एक्सपोर्टर्स है, जो भी है, मिडल मैन भी है, तो वो जो व्हीट में डील करते हैं वो तो ब्लैक व्हीट में भी डील करते हैं, जो ग्रेन्स में डील करते हैं वो व्हीट में भी डील करते हैं, ब्लैक व्हीट में भी डील करते हैं, समझे आप? तो आपको, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ एड्स डाल रहे, तो जरूरी नहीं है कि बायर आपकी एड देख के आपको कॉल करे, आपको बायर्स की लिंक दे रहे, सर्च दे रहे, तो आप डायरेक्टली बाय के उनके एड्स देख के उनको कॉन्टेक्ट करता है, आपका एक्टिव रैंक भी बढ़ जाता है व्हीट के लिए, तो काफी सारे बायर्स है, तो वो भी सारे ब्लैक व्हीट भी ले सकते हैं। हम आपको ये सुविधा दे रहे हैं कि आप ब्लैक व्हीट के लिए, दो तीन दिखे अभी मेरे को, आप, हम आपको ये सुविधा दे रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्री ऑफ, समझा? ओके ओके, थैंक यू रवि जी। जो मैम का कहना है कि आपको वहाँ पे नेटवर्किंग में हेल्प हो रही है, आपको वहाँ कॉन्टेक्ट मिल रहे हैं, और बाकी जितने भी बायर्स दिख रहे हैं आप उनको भी अप्रोच करिए, वो भी कहीं ना कहीं आपके ग्राहक है, उनको भी इंटरव्यू की जरूरत होती है, संभव नहीं है कि वो आपका एड वो देखे हैं, लेकिन आप उनको अप्रोच भी कर सकते हैं कि हमारे पास इस क्वांटिटी में इतना पड़ा है, ऐसा ऐसा चलेगा चलेगा। ओके ठीक है, ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच। शशांक जी आप कुछ कहना चाहते हैं सर? वो पहले आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, तो उसके लिए मैंने हैंड रेज किया था, तो अभी तो आवाज क्लियर आ रही है। ओके थैंक यू, थैंक यू। प्रेम प्रकाश जी, एक बात क्लियर है कि आप सिर्फ ऐड डाल के, हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहे तो इट इज नॉट नेसेसरी कि बायर्स आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको खुद एक्टिव होके, आपको जो बायर्स की लिंक दिखाई जाती है बाय सेक्शन में जो बायर्स है उनको अपनी एड डालने के बाद कांटेक्ट करना शुरू करना है, और इसके कारण आपकी एडवर्टाइजमेंट की एक्टिव रैंक भी बढ़ेगी। और आपको, क्योंकि सर्च एक्टिव बायर्स और सर्च एक्टिव सेलर्स करके दो अलग लिंक है, अभी आप सर्च क्लिक करेंगे होम पेज पे ही है सर्च एक्टिव सेलर, तो आपको दिखेगा ये फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल डायरेक्टली फ्रॉम फार्म्स, ये बंद हसन करके कोई है, ये बंदे के एक्टिव रैंक 274 है, ऑर्गेनिक हर्बल टी उसकी एक्टिव रैंक 227 है, ऑर्गेनिक गिलॉय पाउडर 227 है, यानी ये लोग है जो ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा लोगों को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली बायर्स भी उनको कांटेक्ट कर, समझा? यस यस मैम, ग्रेट ग्रेट मैम, बहुत अच्छा है ये। सुनील सिंह पवार जी आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज जल्दी से अपना क्वेश्चन रखिए सर। मैं एक्चुअली ये कहना था, इसमें अगर सभी आपका आवाज सही नहीं आ रहा है, हो सकता है नेटवर्क का थोड़ा इशू हो, सुनील जी आप थोड़ा बोलेंगे जोर से सर? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं हॉर्टिकल्चर लैंडस्केप का आदमी हूँ, तो हॉर्टिकल्चर लैंडस्केप की सर्विस का भी ऐड मैं दे सकते हो। आप जो 26 कैटेगरी है उसमें रूरल सर्विस प्रोवाइडर करके एक कैटेगरी है, सर्विस प्रोवाइडर, उसके अंडर आप जो भी ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जो कंसल्टेंसी देना चाहते हैं, उसके ऐड आप डाल सकते हो। अच्छा, इवन कल्चर पर्सन तो भी आप बाय सेक्शन में जाके पोस्ट फ्री बाय ऐड दे सकते हो। अगर एक मिनट, सिमिलरली आप चाहिए तो आप पोस्ट फ्री जॉब ऐड पे भी क्लिक कर सकते हो। और ये सब करने के लिए आपको पहली बार जब आप ऐड डालते हैं, सपोज सेल की डाली, तो पहली बार आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप जितने भी ऐड डालेंगे, जैसे पहले मैंने सब्जी की डी, उसके बाद खरीदना है, मैंने पोस्ट फ्री बाय एड पे क्लिक किया, या फिर मेरे को और सब्जी के साथ ग्रेन्स भी बेचने हैं, मैंने फिर से पोस्ट फ्री सेल्स एड पे क्लिक किया, तो उस सारे समय हमें सिर्फ ओल्ड यूजर लॉगिन यूज करना है। और अभी वीडियो में दिखाया भी कि माय एड्स में जाके आप वो कैसे सेव कर सकते हैं आपका यूजर नेम पास, ठीक है? ठीक है मैडम, एक्चुअली है ना, मेरा के एक्चुअली चाय की पत्ती का भी चल रहा है, और एक एग्रीकल्चर के जो हल वल होते हैं
औजार है ना, आप हर चीज का एग्री और रूरल से रिलेटेड एड पोस्ट सकते हो। पहले एड डालते समय ही आपको रजिस्टर करना है, यूजर नेम और पासवर्ड ध्यान रखना है, ठीक है? ओके थैंक यू, ओके ओके थैंक यू। मैम आशा कपूर जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैम बोलेंगे? हिंदी में करती हूँ बात। मेरे एक फार्मर हैं सुरकंडा देवी में, उत्तराखंड में, वो मेरे से मिलने आए थे, वो मटर की खेती कर रहे हैं, तो मैंने उनको ऐप ये दिखा दिया था। ऐप नहीं है मैडम, ये वेबसाइट है। यस मैम आपसे बात भी हुई थी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा था आपसे बात करके, तो मैंने उसको वेबसाइट खोल के दिखाई थी। वो यहाँ तो उसने, मेरे यहाँ तो कनेक्टिविटी है 4G की, खोल के देख लिया और वो मटर की खेती वहाँ करता रहा। वहां से उसने मुझे फोन करा कि जी यहाँ मेरे को कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, मैं कैसे बुक करूं, तो क्या हम आगे पीछे भी इसको रीशेड्यूल कर सकते हैं कि मेरी क्रॉप 30 डेज में तैयार होगी और मैं 30 डेज के बाद इतने? बिल्कुल, आप 6 महीने के बाद भी आपकी क्रॉप आने वाली है, तो आप पहले से ऐड करना शुरू कर दो। जितनी चाहिए उतनी ऐड कर सकते हो। अगर आपके यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है तो आप कभी डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो तब करो। अभी हमारे हिमाचल बोला है जब तुम देहरादून आओ तो मेरे पास बैठ के ऑर्डर बुक कर लो। ऑर्डर नहीं, ऐड करनी है। ऐड करना मतलब ऑर्डर करना नहीं है, और ऐड करना मतलब ये भी नहीं है कि तुरंत आपको लोग कांटेक्ट करना शुरू करें। एग्जैक्टली, हैव टू टेक एफर्ट्स। हम आपको फ्री एडवर्टाइजमेंट की और मार्केट लिंकेजेस की फैसिलिटी दे रहे हैं, आपको उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है। आप जितने बायर्स को कांटेक्ट करेंगे उतना आपका फायदा है। आप जितने अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऐड डालेंगे, एक ही बार आपको रजिस्टर करना है, उतना आपका एक्टिव रैंक बढ़ना है। I just want to give one suggestion here. से ये लड़का कह रहा था मेरे पूरे गांव में इस टाइम सिर्फ मटर बो रहे हैं, कैन वी टाई अप वन ग्रुप? या वो FPOs के लिए अभी नाबार्ड इसके के थ्रू ही तो ट्रेनिंग दे रही है। जैसे अगर हम 5-star चेन के साथ इनका करना, मैडम इंडिविजुअल ने देने से अच्छा अगर पूरा गांव एक बढ़िया एडवर्टाइजमेंट दे रहा कि हमारे पास बल्क में मटर की खेती है, 6 महीने टैग करो, और फिर ये एड देने के बाद जितने भी बायर्स है उसको एक बंदे को बिठा के कांटेक्ट करने को बोलो, सभी के लिए वही मार्केटिंग करेगा, वो भी हो सकता है। एक गांव एक मार्केट, ये मेरा सजेशन था। उसमें रिस्क भी कम रहेगी, सामने वाले से डील करने में रिस्क भी कम रहेगी, करे तो बहुत अच्छा है। अब्सॉर्ब हो जाएगा रिस्क, पूरी कम्युनिटी लेवल पे अब्सॉर्ब हो जाएगा। ये अब्सॉर्ब हो जाएगा। और मैं ये कह रही थी जैसे बिग प्लेयर्स लाइक ताज ग्रुप ऑफ Amazon वगैरह, जैसे ये काले वीट की एक फार्मर ने बात की थी इंक्वायरी, तो उसपे मैं रोशनी डालना चाहूंगी। पिछले साल सोनीपत में एक फार्मर है, लेडी किसान, उसने 1000 किलो काला गेहूं डायरेक्ट Amazon को सेल करा है और उसको बहुत अच्छा प्राइस मिला है। तो why can't we bring big players in this platform? Amazon पे सेल किया मतलब मैडम उसने Amazon के पूरे conditions उसमें satisfy करने पड़ते हैं। हाँ जी। Amazon छोटे लोगों के लिए इसीलिए नहीं है कि वो GST registration लगता है, सारे registrations लगते हैं, and Amazon पे सेल करना free नहीं होता। Amazon just give you e-commerce facility. E-commerce means यहाँ से माल उठा के वहां से देना, but Amazon keeps its percentage. So ये model ऐसा है कि ये इसमें आप market linkages बनाओ और आप आपस में दोनों डिस्कस करो कि क्या मॉडल सुटेबल है। वो अगर आपके यहाँ से आके पूरा माल उठाने के लिए तैयार है तो आप उसको कुछ कंसेशन दे सकते हो, आपको अगर करना है मैनेज तो आप उसके चार्जेस ले सकते हो। ये बोलो या कोई भी एग्रीकल्चर स्टार्टअप बोलो, ये सर्विस आपको फ्री में नहीं दे सकती, उनमें उनका परसेंटेज रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मैनेज करेंगे। आपको सिर्फ ऐड सामने वाले और आप में बीच में कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मैं मेरा कोई परसेंटेज नहीं रख रही हूँ, तो बाकी जो सारे मॉडल्स है उसमें वो परसेंटेज रखते ही है और रखना उनके लिए सर्वाइवल। बिल्कुल नहीं, मैं तो एजुकेट कर रही हूँ यहाँ फार्मर्स को उत्तराखंड में। मैंने ऑलरेडी जिस दिन अपनी टेलीफोनिक डिस्कशन हुई थी, फिर रिमेम्बर 3 months बैक, सो देन आई स्टार्टेड एजुकेटिंग फार्मर्स एंड द कोऑपरेटिव्स एट विलेज लेवल एट प्रधान लेवल फॉर योर वेबसाइट। मैं लोगों को एजुकेट कर। थैंक यू थैंक यू।
जितने लोगों का और है कैसा है, जितने सेलर्स बढ़ रहे हैं उसी मात्रा में बायर्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट मार्केट, मार्केट डिमांड सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। और जैसे कि गवर्नमेंट ने भी इसमें अपना ये दिया हुआ है kisanmitra.gov.in पे उन्होंने मार्केट भी दिया हुआ है गवर्नमेंट वेबसाइट पे। जी अभी अपने लोगों के हाथ में है, अब मैं तो फैसिलिटी दे रही हूँ, फायदा लेना लोगों के हाथ में है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। महेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? महेश जी आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, बोलिए। मैम मैं सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग मूवमेंट का जामनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात से कन्वीनर हूँ। तो मैं ये काले गेहूँ पे थोड़ा प्रकार पालना चाहता हूँ, जो भाई को दिक्कत है उसके लिए। जनरली काले गेहूँ में ऐसा है वो रनिंग प्रोडक्ट नहीं है, वो स्पेशल कैटेगरी की प्रोडक्ट है पहले तो, और उसकी जितनी हवा मीडिया में या तो सोशल मीडिया में चलाई जा रही है उसका उतना परफॉर्मेंस या तो न्यूट्रिशन ये लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है, इसलिए वो नहीं उसका उत्पादन इतना वो बेच सकते हैं। तो फार्मर को पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपने आप पे अपने बलबूते पे कौन सी प्रोडक्ट अपने आसपास के इलाकों में आसानी से बेच सकते हैं डायरेक्टली किसी के माध्यम के बिना भी, ऐसी प्रोडक्ट ही ज्यादा बोनी चाहिए और उत्पादन करना चाहिए। स्पेशल प्रोडक्ट में लोग फंस जाते हैं, जो बीज बेचने वाले हैं वो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और बीज बेच के फार्मर तो फंसा के चले जाते हैं, वो निकल जाते हैं, उसका एक ही मकसद होता है बीज बेचना। तो इसी जालों में नहीं फंसना चाहिए, ये जो भी प्रोडक्ट वो अपने बलबूते पे भी बेच सके और अलग तरीके से भी अलग प्लेटफॉर्म से भी बेच सके, वो दोनों ऑप्शन हो ऐसी प्रोडक्ट बोलनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा छोटा सा प्रश्न है सर, मेरी आवाज आ रही है सर? बोलिए। हाँ बोलिए जी। मैम का सेशन मैं पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाया, एक्चुअली मेरी डिपार्टमेंटल एक मीटिंग चल रही है, वहाँ मैं एंकरिंग कर रहा हूँ। मेरा एक निवेदन था, कोई ऐसा मुझे कांटेक्ट नंबर मिल जाए आफ्टर सेशन में आपसे कांटेक्ट कर सकूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ टोटल। एक्चुअली एफपीओ का मैं एडवाइजर हूँ। हाँ मेरा नंबर है marketmirchi.com के हेल्प मेन्यू में, और आप मेरे को व्हाट्सएप में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी कंटिन्यू रहती हूं। मेरा नंबर है 9822719618 बने 9822719618। ओके ओके थैंक यू। एफपीओ के लिए आपके नंबर भी साझा कीजिए तो दूसरे लोगों को भी काम आए एफपीओ के लिए। हेलो महेश पटेल जी की बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि मैम जो इनका कहना था कि जो भी कुछ चीजें होती है हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पे छोटे मार्जिनल किसान ज्यादा है, और अगर हमने मैम नेटवर्क भी बिल्ड किया कि हमें कॉन्टेक्ट भी मिला कि कोई राजस्थान में फार्मिंग कर रहा है और उसको गुजरात अपना प्रोडक्ट्स भेजना है, तो मैम उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देखा जाता है कि वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि बायर्स है वो खरीदने वाला ये देखा जाएगा। यस मैम ऑफकोर्स देखा जाएगा। हाँ यस मैम, तो जो बायर्स है वो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा कि उसको अगर गेहूं वो ले रहा है तो वहां के मार्केट में उसको कितने रेट में मिल रहा है और यहाँ से फार्मर्स को उतना कितना मिल रहा है, तो अगर डायरेक्ट बायर्स ले रहा है उसको अगर वो कस्टमर। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रहा है मैम? हेलो आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रहा है मैम? हेलो 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 मैम, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हेलो 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 आवाज नहीं आ रही थी। यस यस मैम, कुछ प्रॉब्लम हो गया दिखता है, आई थिंक अभी आपको आवाज आ रहा है मेरा?
हाँ आ रहा है। ओके ओके जी मैम। यस मैम, जो मेरा क्वेश्चन था कि मैम ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड आपके कोई सॉल्यूशंस है कि अगर कोई भी फार्मर्स कनेक्ट होता है तो, जैसे आपने B2B बताया कि B2B के लिए आई थिंक प्लेटफॉर्म ओके है, बट अगर कोई रिटेल भी यहाँ है, छोटे फार्मर्स भी अपना प्रोड्यूस ला रहे हैं मैम, तो उनके लिए किस तरह से हेल्प आउट है मैम? B2B यानी फार्मर ही एक साइड पे है, दूसरे साइड में ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स है, तो वो आपस में तय करते हैं। हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हुए हैं जो बीबीसी न्यूज ने रिकॉर्ड भी किया है। जनरली वो किसान रेल या फिर जो ट्रक लोड है उससे माल भेजते हैं, जैसे APMC में वो माल लेके जाते हैं उसी तरह से होता है। जब ट्रक लोड होता है तब ईवे बिल जनरेट होता है एंड दे हैव टू निगोशिएट लाइक दिस कि ईवे बिल जब जनरेट होता है तो 50% उनके अकाउंट में पैसा आता है, 50% माल पहुंचने के बाद। लेकिन हमारे ट्रेनिंग में हम सभी को यही एडवाइस देते हैं कि जैसे कि बिग बास्केट वगैरह बड़ा ब्रांड है तो छोड़ दो, अदरवाइज आप पहली बार जिससे किसी के भी साथ डील कर रहे तो कैश अगेंस्ट डिलीवरी मॉडल रखो, क्रेडिट वाला मत रखो। Okay. अब ट्रांसपोर्टेशन ये दोनों ने मिलकर सोचना है कि वो आपके यहाँ आ रहा है या आप भेज रहे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कई सारी ट्रक्स वाली वो वीवे बिल वाली ये है, किसान रथ है, किसान रेल है, उससे जनरली ये marketmirchi.com वाले फार्मर्स भेजते हैं। और वो जनरली आप ग्रुप में करो तो ज्यादा फायदा है। इवन इफ यू पोस्ट इंडिविजुअल एड कि मेरे पास बल्क में ब्लैक व्हीट है और आपको कोई इंक्वायरी मिले तो आप अगल बगल से खरीद के भी दे सकते हो, है ना, आपस के कॉन्टैक्ट के। तो ये इसका ये है तरीका है। बहुत अच्छा मैम। प्रेम प्रकाश जी आप कुछ कहना चाहते हैं सर? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं बोलना, मैं समझ रहा हूँ सारी गणित आपके। okay. क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं पशुपालकों की आय बढ़ाओ अभियान चला रखा है और उसमें काफी सक्सेस हो गया हूँ। और 1000 साल पुरानी पशुपालन पद्धति को रीजनरेट किया है हमने। okay. और ये जो अभी बता रहे थे ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये जब जो आपस में हम ट्रेड करते हैं, चाहे लेने वाले देने वाले, इनको सब ये सब इंक्वायरी कर लेते हैं भाई कैसे हम एक दूसरे को दे सकते हैं, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी करते हैं तो ये इन चीज का पहले इंक्वायरी कर लेते हैं, माल कैसे भेज पाएंगे, तो ही आगे बात बढ़ती है, नहीं तो नहीं बढ़ती। प्रेम जी बहुत अच्छा लगा सर आपने अपने विचार रखे, और आपका जो आपने डेयरी पालन के बारे में जो बताया है उसके ऊपर भी हम एक सेशन रख सकते हैं सर, चैट बॉक्स में मैंने अपना नंबर डाला। बिल्कुल बिल्कुल रखिए। और आपको मैं बता दूं मेरे पास करीब 1.5 लाख पशुपालकों का डाटा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सोशल मीडिया के थ्रू ही काम कर रहा हूं मैं, और कोई मैं इसमें फ्लिपकार्ट अमेजन कोई नहीं, डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि बिचौलिए जितने भी आते हैं वो सारे वही मार्केटिंग है, हर कोई अपने अपने हिसाब से सोचता है। अमेजोन आपको परसेंटेज देने से अच्छा आप मार्केट में कंज्यूमर को दो बेनिफिट, ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स यूज कीजिए, आपकी एड्स और आपको जो marketmirchi.com का सोशल मीडिया से बढ़कर एक फायदा यह है कि यह आपको बायर्स की डायरेक्ट लिंक दिखा देता है और बायर्स को कांटेक्ट करना शुरू कीजिए बाद में। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी अभी दुनिया में दो तरह के लोग तो होते ही है कि जरूरी नहीं तो बुरे ही लोग मिल जाए या आप भी बहुत अच्छे हैं, ये भी जरूरी नहीं, तो आप दोनों आपस में डिसाइड कीजिए और अपना ट्रांजेक्शन कीजिए। हम आपको फ्री मार्केट लिंकेजेस की सुविधा दे रहे, और आज तक वैसे तो हमने वेबसाइट पे लिखा ही है कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन आज तक मेरा मोबाइल नंबर वेबसाइट पे होने के बावजूद भी मेरे पास एक भी कंप्लेंट नहीं आई कि किसी ने किसी को ठगाया। अगर उतना भी कंप्लेंट आता तो मैं वो एड ब्लॉक कर देती थी, यानी कि लोग ईमानदारी से ये फैसिलिटी यूज कर रहे, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि अपनी अपनी सावधानी रखें। तो कोई भी इसमें रखनी पड़ती है कोई भी ट्रेड में। बिल्कुल, आज बिल्कुल। की दुनिया में हम वेबसाइट पे पूरी जिंदगी का सौदा करते हैं मैट्रिमोनी वेबसाइट के थ्रू, अब वहां तो कितनी मुश्किल होती है। यस यस क्योंकि सामने वाला और आप अच्छा भी हो, दोनों अच्छे हो, लेकिन फिर भी आपस में तालमेल ना जुल सकता है, तो इसी तरह से हमें थोड़ा बहुत अपनी तरह से प्रिकॉशन लेके आप बहुत अच्छे से फ्री में बिल्कुल मुफ्त में अपनी मार्केटिंग marketmirchi.com पे कर सकते।
ओके फाइन मैम, और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? बोलिए पटेल जी। नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना है। प्लीज जो भी कुछ कहना चाहते हैं वही अपना हैंड रेज करें, बाकी सब अपना हैंड रेज हटा दें तो हमें पता रहेगा कि किनको अनम्यूट करना है। ओके आई थिंक मैम सभी के क्वेश्चंस हो चुके हैं और मैं इसका रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा जिससे हम बाकी लोगों को भी भेज सकते हैं। प्रेम जी आप बीकानेर राजस्थान से हैं और